नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। बंगाल के सीएम ममता के खिलाफ हुआ मानहानि का केस दर्ज, कोलकाता हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। आपको बता दें, बंगाल गवर्नर के लिए ममता ने कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। यूपी के उन्नाव में हुआ भयंकर सड़क हादसा, 18 लोगों की हुई मौत। सड़क पर बिखरी लाशें देखकर पुलिसकर्मी भी हुए बेहोश। बिहार से दिल्ली जा रही बस टैंकर से टकराई। उत्तराखंड में पताल गंगा टनल पर गिरा पहाड़। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद, तो वहीं राजस्थान समेत 19 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज हुए उपचुनाव के लिए मतदान, 13 जुलाई को घोषित होंगे नतीजे। 5 महीने बाद खुलेगा चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे। आपको बता दें, शंभू बॉर्डर 1 हफ्ते में खुलने के आदेश जारी। हाईकोर्ट ने कहा हरियाणा सरकार वेरिगेटिंग हटाए, किसानों की मांगे केंद्र से हैं, उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। राजस्थान की भाजपा सरकार खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर का करवाएगी निर्माण, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन बजट का दिया कुमारी ने की घोषणा। यूपी के पीलीभीत जिले में बने बाढ़ के हालात, शहर से लेकर देहात तक पानी ही पानी, बाढ़ से हजारों लोग हुए प्रभावित। जिले में हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने आज किया दौरा। बात करें शेयर बाजार की तो ऑल टाइम हाई बनाकर टूटा बाजार। वहीं सेंसेक्स में 500 और निफ्टी में 150 अंक से ज्यादा की गिरावट रही। ऑटो और आईटी शेयर टूटे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेटिंग 1 हफ्ते में खुलवाई जाए। वहीं इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की होगी। आपको बता दें कि वही आंदोलनकारी किसान प्रशासन की तरफ से चिन्हित जगहों पर आंदोलन कर सकते हैं। वहीं हाईकोर्ट ने किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी है। बता दें चले कि कोर्ट ने कहा कि अब शंभू बॉर्डर पर महज 500 प्रदर्शनकारी हैं, इसलिए अब यह हाईवे खोल दिया जा सकता है। यह हाईवे पिछले 5 महीने से बंद है, इसे अब और बंद नहीं रखा जा सकता। वहीं दूसरी ओर शुभकरण की मौत मामले में FSL की रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में पेश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार शुभकरण के सर पर शॉटगन की गोली का जख्म दिखाया गया है। इस पर कोर्ट ने झज्जर के पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद शहर के विकास के खाके को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें FMDA की 5वीं वार्ड बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करी। बैठक में 5,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं रखी गई, इनका बजट भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त किया जाएगा। शहर के पूर्वी पश्चिमी हिस्से की सीधी और सुगम कनेक्टिविटी, अन्य करीब 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की फाइल मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यालय पहुंच चुकी है। यह बैठक चंडीगढ़ में FMDA अधिकारियों संग मुख्यमंत्री के साथ है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 4 बार बैठक कर चुके हैं। नायब सैनी ने पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में शहर की बड़ी परियोजनाओं का खाका पेश किया गया है, जिसके लिए कई दिन से FMDA के समूचे अधिकारी बैठक की तैयारियों में जुटे हुए थे। बताते चले कि शहर के पूर्वी यानी ग्रेटर फरीदाबाद और पश्चिमी शहर NIT सूरजकुंड की बड़कल और बाटा रेलवे पुल के द्वारा सीधी कनेक्टिविटी होगी। इससे पहले बड़कल वाली कनेक्टिविटी के लिए करीब 735 करोड़ रुपये और बाटा वाली के लिए करीब 700 करोड़ रुपये बजट तय किया गया था, लेकिन अब इस बजट को रिवाइज कर दिया गया है। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन ईडी की रेड अलग अलग नेताओं और व्यापारियों पर जारी है। इस कड़ी में हिसार ने ईडी ने सुबह 7 बजे इनेलो के वरिष्ठ नेता राम भगत गुप्ता के ग्रीन पार्क स्थित घर और उनके बेटे संजय गुप्ता के ऑटो मार्केट स्थित महिंद्रा शोरूम पर छापेमारी की। दरअसल बता दें कि सुबह से ही ईडी की टीम की कार्रवाई जारी है। इस दौरान घर और शोरूम के अंदर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा और ना ही कोई बाहर आ पा रहा है। वहीं विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई GST चोरी से जोड़कर देखी जा रही है।
आपको बता दें कि इनेलो नेता राम भगत गुप्ता के बेटे संजय गुप्ता की महिंद्रा शोरूम पर 4 जून को 3 बदमाशों द्वारा 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस दौरान करीब 30 राउंड फायरिंग शोरूम पर किए गए थे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। वहीं फिलहाल इस मामले में पुलिस किसी भी आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। वहीं आज इनेलो के वरिष्ठ नेता राम भगत गुप्ता के ग्रीन पार्क स्थित घर और उनके बेटे संजय गुप्ता के ऑटो मार्केट स्थित महिंद्रा शोरूम पर छापेमारी की गई है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेने झज्जर पहुंचे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। दरअसल वही जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अजय ने कहा कि पूर्व सीएम हुड्डा के पास ज्यादा विधायक हैं और वे राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर ले, हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और साथ ये भी कहा कि हमने सबसे पहले राज्यपाल को लिख कर दिया था कि भाजपा सरकार अल्पमत में है, अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो हम उसका साथ जरूर देंगे। वहीं हुड्डा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कहता था कि हम 60 सीटें लेकर जीतेंगे, अब उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको अपनी खुद की सीट की गारंटी है क्या। साथ ही कहा उनको खुद टिकट के लिए सोनिया गांधी के आगे चमचागिरी करनी पड़ेगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।